हाय एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं लाइटिंग इफेक्ट। सो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, आपके पास जो भी इमेजेस रहेगा उसको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ फॉर ओपन देती हूँ, यहाँ यह वाला जो इमेजेस है उसको ओपन करती हूँ यहाँ पे जाके। तो ये आपको यहाँ पे इमेजेस दिख रहा है। मैं मूव टूल लेके क्या कर रही हूँ, उसका जो लेयर्स है उसको डबल क्लिक करके अनलॉक कर देती हूँ। एंड नीचे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, आपको यहाँ पे जाना है। एंड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेना है, कलर लुकअप। कलर लुकअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3D लोड 3D लॉट दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्या लेना है, नाइट फ्रॉम व्यू, नाइट फ्रॉम डे क्यूब। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट व्यू। ये जो लेयर्स है इसको मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लाइट्स दिखाना है। के लिए मैं यहाँ पे जो लेयर से कलर लुकअप का उसको भी ऑफ करती हूँ, एंड जो उसका डुप्लीकेट लेयर है उसको भी ऑफ करती हूँ। एंड मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लसो टूल ले ले रही हूँ, उसका शॉर्टकट की क्या है, एल एंड कंट्रोल जेड और कंट्रोल प्लस से मैं इसको जूम कर लेती हूँ। सिलेक्शन करना है आपको कहाँ कहाँ पे लाइट्स दिखाना है। आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते थे, पर उस टाइम पे कैसा होता है कि गलती से कभी कभी दूसरे सिलेक्ट भी हो जाते हैं। इसके लिए आप पॉलीगन लसो टूल से करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पॉलीगन और लसो टूल लेके सिलेक्ट कर देती हूँ। आपके पास जो भी इमेजेस रहेगा उस इमेज पे आपको कहाँ कहाँ पे लाइट्स इफेक्ट दिखाना है वैसे आप सिलेक्शन करो पॉलीगॉन टूल से। विंडोज़ में भी मुझे दिखाना है तो मैं विंडोज़ को भी सिलेक्ट कर देती हूँ। ये विंडोज़ भी सिलेक्ट हो गया है, मैं इधर से भी क्या करती हूँ, सिलेक्शन करती हूँ, कंट्रोल प्लस फॉर जूमिंग। अगर गलती से साइड में किधर भी सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे बैक स्पेस दे दो सिलेक्शन रिमूव करने के लिए। तो ये सिलेक्ट हो गया, अगेन मैं ये साइड पे भी आप सिलेक्ट कर दो।
इधर भी मैं सिलेक्शन करती हूँ एंड यहाँ पे भी मुझे दिखाना है लाइक। ओके तो अभी मुझे क्या करना है, लाइट्स दिखाना है। तो मैं जो लेयर्स को लेयर ऑफ था उसको मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे ऑन कर देती हूँ। एंड बिफोर ब्रश टूल लेना, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में क्या रखना है, वाइट रखना है कलर। एंड फोरग्राउंड कलर क्या रखना है, ब्लैक। एक बार ब्रश का सेटिंग्स चेक कर लेना, यहाँ पे जो हार्डनेस है वो 0 रहना चाहिए। एंड उसका साइज डिपेंड है, आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हो। एंड क्या कर रही हूँ मैं, इसको क्लिक करके ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। क्लिक करके ड्रैग करना है यहाँ पे डायरेक्टली। ओके अगर आपको यहाँ पे विंडोज में और लाइट्स दिखाना है, ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाना है लाइट्स का, तो मैं जो दूसरा वाला लेयर है कलर लुकअप का उसको सिलेक्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं अगेन मैं क्या कर रही हूँ, मूव करती हूँ ब्रश को। कंट्रोल डी फॉर डिसलेक्ट, सो आपको व्यूज ऐसे दिख रहा है। समझ लो मुझे यहाँ पे और थोड़ा सा लाइट दिखाना है। अप्लाई किया, कंट्रोल डी फॉर डिसलेक्ट किया। नेक्स्ट क्या करना है आपको यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सीलिंग लाइट्स दिखाना है। तो मैं उसके लिए कंट्रोल ओ फॉर ओ, कंट्रोल ओ फॉर ओपन करती हूँ। और यहाँ पे इस इमेज को ओपन कर दिया। रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेना है एंड मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ रेक्टेंगल टूल से। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, एंड यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, पेस्ट करना है ये जो लेयर है उस लेयर को। तो ये आपको ऐसे दिखेगा। इसको क्या करना है, यहाँ पे देखो कलर उसका मोड आता है, तो इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पे, आपको चेक करना है। सो मैं इसको क्या रखा, लाइटिंग में रखा। इसको अभी कहाँ पे दिखाना है मुझे, यहाँ पे सीलिंग में दिखाना है, समझ लो यहाँ पे लाइट्स दिखाना है। इसको मैं फिर से क्या करती हूँ, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर। एंड इसको मैं मूव टूल से जहाँ पे भी चाहिए उसको मूव कर सकते हो। जितना भी डुप्लीकेट क्रिएट करना है उतना डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसको भी डुप्लीकेट किया, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट। ओके तो इसका शेडोज मुझे दिखाना है, समझ लो। यहाँ पे मुझे उसका शेडोज दिखाना है, तो मैं फिर से कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करती हूँ एंड मुझे यहाँ पे दिखाना है। और उसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करना। कुछ इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। एंड उसको मैं क्या करती हूँ, रोटेट करना है। ओके यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो इरेज टूल था इरेज टूल ले लिया है, ई फॉर इरेज। और उसका बैकग्राउंड में भी अगेन मैंने फिर से वाइट कलर रख दिया है, फोरग्राउंड कलर मैंने ब्लैक रखा है। एंड
और देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिख रहा है, उसका शेडो समझ में आ रहा है एक्चुअली। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना उसको इरेज करना है। ओके सो इरेज हो जाएगा। तो मैं फिर से क्या करती हूँ, कंट्रोल जी फॉर डुप्लीकेट एंड वी फॉर मूव टूल लेके, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे भी देखो उसका आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, तो यहाँ पे इरेज लेना और उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो आप ऐसे। अगेन मैं कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करती हूँ और मुझे यहाँ पे दिखाना है। कंट्रोल जे, यहाँ पे भी कंट्रोल जे। ओके समझ लो मुझे फ्लोर के ऊपर थोड़ा लाइटिंग का इफेक्ट दिखाना है। तो मैं फिर से ब्रश टूल लेती हूँ और जो कलर लुकअप का लेयर से उसको ही सिलेक्ट करना एंड ब्रश को इसके ऊपर जाके मूव करो। ओके आपको यहाँ पे स्काई इमेज दिखाना है। यहाँ पे मैं जो लेयर था इमेज का उसको सिलेक्ट करती हूँ, पॉलीगन लसो टूल लेती हूँ एंड इधर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्शन टूल भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दो। कंट्रोल प्लस जूम इन, पॉलीगॉन, तो आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे पॉलीगॉन लसो टूल से अगर मैं सिलेक्शन करती हूँ तो प्रॉपर सिलेक्शन हो रहा है, और मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करती हूँ तो वो थोड़ा सिलेक्शन ऐड हो रहा है, ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, डिलीट कर देती हूँ। कंट्रोल ऑफर ओपन करती हूँ एंड मुझे यहाँ पे ये वाला जो स्काई है वो दिखाना है। तो मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ओनली स्काई को सिलेक्ट करती हूँ। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, अनलॉक कर देना एंड कंट्रोल सी से कॉपी कर देना। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करती हूँ एंड कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ। ओके ये जो लेयर है इसको आपको क्या करना है, इमेज का जो लेयर है उसका नीचे शिफ्ट करना है, तो आपको ये ऐसे दिखेगा। अगेन मैं जो इमेज है स्काई का उसको लेयर सेलेक्ट करती हूँ एंड ब्रश टूल लेके थोड़ा सा ब्रश इसके ऊपर भी मूव कर देना। सिर्फ यहाँ पे आपको कलर स्विच करना है, एक्स फॉर कलर स्विच हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर रहना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह थोड़ा कम रखना रहेगा तो आप वो भी कर सकते हो, ओपेसिटी एंड फ्लो। अभी इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। ओके
इसका देखो जो इमेज का लेयर है उसको सिलेक्ट करना, और मैं यहाँ पे इरेज टूल लेती हूँ। तो यहाँ पे इरेज करते टाइम पे हार्डनेस 0 रखना है, कंट्रोल प्लस से जूम करना। ओके, लेयर सिलेक्ट नहीं था एक्चुअली आपको। ओके, यहाँ पे भी इसको मूव करो। ओके, तो मैंने क्या किया था, जो लेयर्स है इमेज का उसको सिलेक्ट किया। मैंने यहाँ पे इरेज टूल लेके बैकग्राउंड में क्या कलर था, ब्लैक, और फोरग्राउंड कलर क्या था, व्हाइट, एंड उसका जो हार्डनेस है वो 0 रखा, और इरेज टूल को इसके ऊपर से मैंने थोड़ा हल्का सा मूव किया है। ओके, अभी मुझे यहाँ पे कुछ स्टार्स वगैरह कुछ दिखाना रहेगा, समझ लो। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, और मैं यहाँ पे लगती हूँ इसको लाइटन, इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म से, और यहाँ पे एंटर दे देना। तो आपको व्यू ऐसे दिखेगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल व्यू है। थैंक यू सो मच।